दोस्तों, क्या होगा अगर चिंपैंजी किसी लड़की के साथ होंकी पोंकी करे तो? क्या इंसानों से 98% मेल खाता हुआ चिंपैंजी किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है या नहीं? चलो उसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखो, यूं तो चिंपैंजी का डीएनए एक इंसान से 98% तक मेल खाता है, लेकिन वही बात करें हम बच्चा पैदा करने की, तो देखो दोस्तों, केवल डीएनए 98% मिलने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा डीएनए यदि किसी और ब्रीड के अंतर्गत जरा सा भी यानी 1% भी अलग है तो उसमें बच्चा पैदा करना संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे डीएनए और क्रोमोसोम्स में कुछ सीक्रेट बातें छुपी होती हैं जो केवल अपने बिल्कुल सेम टू सेम मिले हुए डीएनए के साथ ही मिलकर एक बच्चा पैदा कर सकती है। यदि कोई चिंपैंजी किसी महिला के साथ सेक्स कर भी लेता है तो फर्टिलाइजेशन के वक्त मिसमैच डीएनए होने की वजह से उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि चिंपैंजी का पूरी तरह से इंसानों से ना मिलने वाला डीएनए एक वुमन के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, और फिर जब वे उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो एक वुमन की बॉडी उसको अपना दुश्मन समझ लेगी, और दुश्मन समझ लेने के बाद महिला के अंदर पाई जाने वाली एंटीबॉडीज चिंपैंजी के स्पर्म को महीन इसको नाबूद कर देगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इंसानी और चिंपैंजी का बच्चा पैदा करना।